भारतीय मूल के सबसे बड़े अमेरिकी स्टार कार्ल पेन आए क्लोजेट से बाहर, दुनिया को बताया कि वो होमोसेक्सुअल हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्यों छोड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म? आर्यन खान की जमानत पर क्या बोल गए पीयूष मिश्रा? किस बात पर सलमान खान ने लगा दी टीवी स्टार तेजस्वी प्रकाश को डांट? आज होगी इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आइए आज की खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। कार्ल पेन, असली नाम कल्पेन सुरेश मोदी, भारतीय मूल के पॉपुलर हॉलीवुड स्टार कार्ल को हेरोल्ड एंड कुमार, सुपरमैन रिटर्न्स और द नेमसेक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो हाउ आई मेट योर मदर और डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जैसे चर्चित सीरीज का भी हिस्सा रह चुके हैं। जल्द ही अपनी किताब यू कैन बी सीरियस लेकर आने वाले हैं। इस किताब के प्रमोशन के दौरान कार्ल ने बताया कि वो गे हैं और अपने पार्टनर जॉश से शादी करने जा रहे हैं। कार्ल ने यह भी बताया कि वो और जॉश पिछले 11 सालों से रिलेशनशिप में हैं। 31 अक्टूबर की दोपहर रंगीला गर्ल उर्मिला ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं, मगर वो बिल्कुल ठीक हैं और खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। उर्मिला ने उन लोगों से भी अपनी जांच कराने की बात कही जो पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे। उन्होंने दिवाली मनाने के दौरान लोगों को अपना ख्याल रखने की सलाह भी दी। पिछले दिनों बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्विट कर रहे हैं। जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो नवाज ने बताया कि अब ओटीटी बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए धंधा बनकर रह गया है। नवाज का कहना है कि जिस तरह का कॉन्टेंट ओटीटी पर बन रहा है वो उसे देखना सहन नहीं कर सकते, तो फिर उसमें काम कैसे करेंगे? बकौल नवाज, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बकवास और गैर जरूरी शोज के लिए डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उस तरह के शोज आते हैं जो दर्शक डिजर्व नहीं करते, या उस पुराने शोज के सीक्वल जिनके पास कहने को कुछ नया नहीं है। नवाज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ स्टार कल्चर भी समझ नहीं आता। उनका कहना है कि कुछ फिल्में और सीरीज कर चुके खुद को ओटीटी का स्टार समझने लगते हैं। वो फिल्मी सुपरस्टार्स जैसे ढेर सारे पैसे मांगते हैं और नखरे झाड़ने लगते हैं। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म से अलग होने का फैसला ले लिया है। बिग बॉस चालू है, हर वीकेंड पर शो के होस्ट सलमान खान आते हैं और घर के सदस्यों को बताते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, साथ ही उनकी क्लास भी लगाते रहते हैं। इस वीकेंड कुछ ऐसा हुआ कि सलमान खान कंटेस्टेंट उमर रियाज से बात कर रहे थे, मगर तेजस्वी प्रकाश ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस चीज से सलमान चिढ़ गए। उन्होंने तेजस्वी से उनसे बात करते समय अपने टोन का ख्याल रखने को कहा, साथ ही उन्हें हिदायत भी दे डाली कि उनके साथ इस तरह की हरकत न करें। खैर, अगर गेम की बात करें, इस वीकेंड सिंगर अकाशा सिंह बिग बॉस 15 के घर से बेघर हो गए हैं। 28 अक्टूबर को सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फैंस को नहीं पता था कि रजनी के अस्पताल में भर्ती होने की वजह आखिरकार है क्या। लोग उनके कुशल क्षेम की कामना करने लगे, सोशल मीडिया अटकलों और दुआओं से भर गया। फिर पता चला कि रजनी कैरोटिड आर्टरी रीवैस्कुलराइजेशन नाम की सर्जरी के लिए अस्पताल गए हैं। ये सर्जरी इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि रजनी के दिमाग में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही थी। इस सर्जरी के फौरन बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रजनी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। 31 अक्टूबर को रजनीकांत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये खबर रजनी ने खुद सोशल मीडिया पर अपने फोटो पोस्ट करने के साथ बताई। शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ समय पहले आर्यन खान की गिरफ्तारी के बारे में कहा था कि ये पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया कदम है या लोग शाहरुख खान के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं। बीते दिनों आर्यन खान की जमानत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने NDTV से बात की। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या स्टार्स अपनी बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। इसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उनके बच्चे लव कुश और सोनाक्षी की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही कि उन्हें कोई गंदी आदत नहीं लगी। उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अकेले गलत संगति और गंदी आदतें तो नहीं पाल रहे। पीयूष मिश्रा से जब आर्यन खान मसले पर कमेंट करने को कहा गया तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मेरा क्या रिएक्शन होगा, किया उसने, उसे बेल मिल गई, बाहर आ गया वो, अब शाहरुख खान जाने, उनका बेटा जाने या समीर वानखेड़े जाने, मुझे उससे क्या मतलब है। ठीक है, हो गया, जो किया है वो भुगतेंगे, आप अपने बच्चों को संभालें, बस यही है। पीयूष मिश्रा और शाहरुख खान की पहचान पुरानी है, दोनों ने मणिरत्नम की फिल्म दिल से में साथ काम किया था। आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। आयुष्मान खुराना की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी सुजीत सरकार डायरेक्टेड गुलाबो से दाबो, मगर अब आयुष्मान एक के बाद एक फिल्मों की रिलीज के लिए तैयार हैं। वो अनुभव सिन्हा की अनेक, अभिषेक कपूर की चंडीगढ़ करे आशिकी और अनुभूति कश्यप की डॉक्टर जी में नजर आने वाले हैं।
अनेक को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है, मगर उनकी बाकी दो फिल्मों की रिलीज डेट आ चुकी है। वाणी कपूर स्टारर चंडीगढ़ करे आशिकी 10 दिसंबर को रिलीज के लिए शेड्यूल है, जबकि रघुलप्रीत सिंह स्टारर डॉक्टर जी 17 जून 2022 को रिलीज होने वाली है। तो बस दोस्तों, आज के सिनेमा शो में आपके लिए इतना ही। फीडबैक्स, शिकायतें, सब कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।